हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DULLB 2022-23 एडमिशन प्रोसेस की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो मोस्ट प्रिसाइज एनालिसिस रहने वाला है और ये मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि इस बार की कट ऑफ कहां तक जा सकती है। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और इस पे आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। पूरे एडमिशन प्रोसेस में मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि पूरी अपडेट आएगी एडमिशन से रिलेटेड, इसके साथ साथ आपका जो कोर्स कंटेंट है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले मैं उन फैक्टर्स की बात करूंगा जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो देखिए, लेवल ऑफ पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए हैं, नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए हैं इनको देखूं तो लगभग ये पिछले साल की तरह ही है। अब लेवल ऑफ पेपर की अगर मैं बात करूं, सो पेपर का लेवल था आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में था। इजी टू मॉडरेट के बीच में यहां कहीं लाई कर रहा था आपका पेपर। सो पेपर ठीक ठाक था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, पेपर वॉज गुड। अब नंबर ऑफ सीट्स आपकी चेंज नहीं हुई है, सेम उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स है जितनी पहले थी, 2888 एंड 3320 आपकी सुपर न्यूमरी सीट्स इन सबको मिला के। अब बात करते कट ऑफ होगी क्या, जो आपका सवाल है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें तो ये आपका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से ये कट ऑफ है। अब इन सबको स्किप करके मैं 2021 की कट ऑफ पे आता हूँ। देखिए, 2021 में क्या था कि 232 आपका था जनरल के लिए, 196 था ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 200 था एंड दिस वाज द फर्स्ट कट ऑफ एंड लास्ट कट ऑफ फॉर ओबीसी वाज 185। ये जनरल है, ये ईडब्ल्यूएस है, बट यहाँ पे ओबीसी का फर्स्ट कट ऑफ और ओबीसी का लास्ट कट ऑफ। सिमिलरली एससी का फर्स्ट एंड लास्ट कट ऑफ एंड एसटी का फर्स्ट एंड लास्ट कट ऑफ। अब इस बार के पेपर को एनालाइज करके अगर मैं देखूं तो इस बार की जो आपकी कट ऑफ है, क्योंकि मुझे काफी रिस्पॉन्सेज भी आए स्टूडेंट्स के, उन्होंने अपने मार्क्स भी बताए हैं। सो 2022 जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, इसके आसपास हो सकती है कट ऑफ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है इस बार कट ऑफ 236 के आसपास जा सकती है, 236 फॉर यूआर अनरिजर्व्ड, और 200 के आसपास जा सकती है फॉर ईडब्ल्यूएस। अब इसमें प्लस माइनस 4 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 4 का स्कोप है इसमें। तो ये हमारी जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो गई। अब ओबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सो ओबीसी की कट ऑफ आपकी मुझे ऐसा लगता है 185 से 188 के बीच में रह सकती है, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की। एससी की कट ऑफ अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है ये 162 के आसपास रहेगी, 160 या 162 के आसपास, ठीक है, ये आपकी एससी की कट ऑफ रहेगी। और एसटी की कट ऑफ आपकी रहने वाली है, आप ये मान सकते हैं 90 to 96 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी रह सकती है इस साल DULLB 2022 एडमिशन प्रोसेस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।